हम लोग पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में चार इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं: एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स. And till now we have talked about endosperm development, and after that we have already talked about embryo development, and in this particular lecture we are going to talk about maturation of ovules into seeds. आज हम लोग बात करेंगे सीड के स्ट्रक्चर और फंक्शन पे. The very first and which is most important point that you need to know is in flowering plants seed is final product of सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? सीड है. मतलब मैं बात कर रहा हूं आपसे सीड टू सीड साइकिल की. सीड टू सीड साइकिल का मतलब आप समझिए, समझ लीजिए कि आपको एक प्लांट चाहिए तो कम से कम आपके पास एक सीड होना चाहिए जिसको आप एक प्रॉपर सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करके जर्मिनेट करा सकते हैं और एक नया प्लांट बना सकते हैं, और प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी. फाइनली उसमें क्या आएगा? फ्लावर आएगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनेगा, और फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सीड प्रेजेंट होगा, और उस सीड को वापस से आप जर्मिनेट करा के नया प्लांट बना सकते हैं. मतलब प्लांट के लिए हमें कम से कम सीड चाहिए और सीड से हम नया प्लांट बना सकते हैं. ये जो साइकिल चल रही है सीड के थ्रू, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सीड टू सीड साइकिल. समझ लीजिए कि आप कोई खेती करना चाहते हैं तो किसी भी क्रॉप के लिए आपको क्या चाहिए? सीड चाहिए. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर का बेसिस है वो भी क्या है? सीड है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गया कि सीड इज बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर. सीड जो है एग्रीकल्चर का क्या है? बेसिस है. किसी भी क्रॉप या किसी भी प्लांट के लिए हमें कम से कम उस क्रॉप की क्या चाहिए? सीड चाहिए, तब हम जाकर के क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर कर सकते हैं. मतलब कि सीड बेसिस हो गया किसका? एग्रीकल्चर का. द सेकेंड पॉइंट विच इज क्वाइट ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड इज सीड इज प्रेजेंट इन साइड द फ्रूट. ये बहुत कोई कठिन बात नहीं है. जैसे कि कोई आपके पास फ्रूट है तो उसका सीड उस फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होगा. हर केस में आप इसको देखते होंगे, अगर फ्रूट में सीड है तो वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होगा. मतलब सीड्स आर प्रेजेंट इन साइड द फ्रूट. सीड्स फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सीड्स फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. आप ऐसे समझ लीजिए कि सपोज ये है आपके पास फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहां पे नीचे है थैलेमस, और थर्ड नोड पे यहां पे प्रेजेंट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. यहां से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेगा, प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलेंगे. यहां पे कंपैटिबल पॉलन जब आएगा, यहां ओवरियल लॉक्यूल के अंदर आपको पता है कि प्रेजेंट होगा ओव्यूल, प्रेजेंट होगा ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होगा फीमेल गैमेटोफाइट. इस मेल गैमेटोफाइट के अंदर यहाँ पे है मेल गैमीट, और ये कंपैटिबल पॉलन जब यहाँ पे आएगा तो इसमें पॉलन ट्यूब बनेगी, और ये फाइनली एंटर करेगी ओव्यूल के अंदर, और ट्यूब जैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एंटर करेगी दो मेल गैमीट्स रिलीज कर देगी. एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना लेगा, दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बना लेंगे, और एक मेल गैमीट जब फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना रहा है, प्रोसेस को हम सिंगैमी या फिर क्या बोल रहे हैं? फर्टिलाइजेशन. अगर ट्रिपल फ्यूजन को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो प्रोसेस को बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन. The mean is that syngamy will result into the formation of a diploid cell, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? zygote बोलेंगे. और जब यहाँ पे zygote बनेगा, जब यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनेगा? zygote diploid cell बनेगा. तो आपको पता है कि ये zygote जो है इसमें रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स होंगे, और फाइनली ये एक मेच्योर एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा या डेवलप हो जाएगा. तो आपको पता है कि जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोल पा रहे हैं? ओव्यूल, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें? सीड में. तो ये बात हमको समझनी है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सीड में, और ये जो फ्रूट का फॉर्मेशन है वो इस पर्टिकुलर पार्ट से होगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओवरी। जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा तो ओवरी कन्वर्ट होगी किसमें, फ्रूट में। इस पे हम लोग किसी दूसरे सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन अभी हमको ये समझना है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा तो ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड में, और ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फ्रूट में। ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फ्रूट में। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये ओवरी है जो कि क्या बना ले रही है, फ्रूट बना ले रही है। ये ओवरी क्या बना पा रही है, फ्रूट बना पा रही है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ये जो ओव्यूल है ये क्या बना ले रहा है, सीड बना ले रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस रेड सर्कल को हम लोग फ्रूट बोल रहे हैं, ब्लू सर्कल को सीड बोल रहे हैं। तो ये ब्लू वाला सर्कल रेड सर्कल के अंदर है, यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल, तो फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सीड प्रेजेंट होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सीड प्रेजेंट होगा कहाँ पे, इनसाइड द फ्रूट। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि सीड बन रहा है कहाँ से, ओव्यूल से। सीड बन रहा है कहाँ से, ओव्यूल से। तो हम इस सीड को अगर देखें तो इस बात को आप फिर से इंश्योर करिए कि जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है तब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा है, और जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है एम्ब्रियो में, तब ओव्यूल कन्वर्ट हो रहा है सीड में। तो ये जो ओव्यूल है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम सीड को बोल देते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फिर इसको समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, सिंगेमी बोलेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में रैपिड माइटोटिक डिविजन्स होंगे, एम्ब्रियो बनेगा। जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है या डेवलप होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी, तब ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीड में। यानी कि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा फर्टिलाइजेशन के बाद। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हम ओव्यूल को ही क्या बोल रहे हैं, सीड बोल रहे हैं। सीड किसको बोल रहे हैं, ओव्यूल को, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद। तो सीड को हम लोग क्या बोल देंगे, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड को हम लोग बोल पा रहे हैं, सीड को हम लोग बोल पा रहे हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, या फिर इसको हम लोग और एक नाम से जान सकते हैं। आपको पता होगा कि ओव्यूल के अंदर यहाँ पे मेगास्पोर्स बनते हैं, इस वजह से हम ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम बोल पाते हैं। और ओव्यूल जो है ये कवर्ड है, इसकी बॉडी बनी हुई है किसकी, इंटेगमेंट्स की कवरिंग की, तो हम लोग इस मेगास्पोरेंजियम को क्या बोल देते हैं, इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। तो ओव्यूल का एक और नाम हमको पता है मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर्स बनते हैं और इंटेगुमेंट से कवर्ड है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर्स बनते हैं और इंटेगुमेंट से कवर्ड है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। तो फर्टिलाइजेशन के बाद इसी को हम सीड बोलते हैं, तो हम इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को मैच्योर इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम बोल देंगे। तो सीड का एक नाम हमको समझ में आ गया कि इसको हम लोग फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोलेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल को सीड बोल रहे हैं, तो सीड को फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोल रहे हैं। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम क्यों बोलते हैं ये भी समझ में आ रहा है। और इस इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बोला जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मैच्योर इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, या फिर इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, राइपेंड ओव्यूल। इसको हम लोग बोलते हैं राइपेंड ओव्यूल। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हमने आपको बताया सीड के लिए। सीड को हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल को ही सीड बोल रहे हैं, और ओव्यूल को इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, तो सीड बोला जाएगा ये मैच्योरेशन के बाद। तो इसीलिए हम सीड को मैच्योर इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम बोल पाते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, राइपेंड ओव्यूल बोल देते हैं, राइपेंड ओव्यूल बोल देते हैं। बाद में हमें समझ में आ जाएगा कि फ्रूट को हम लोग क्या बोल देते हैं, राइपेंड ओवरी बोल देते हैं। तो ये बेसिक बातें हमको समझ में आ गई कि हम ओव्यूल हम सीड को क्या क्या बोल सकते हैं या फिर सीड के कौन कौन से डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं। अब अगर हम सीड के कंटेंट की बात करें, देन सीड इज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। आप पिछले वाले लेक्चर से इन बातों को अगर रिलेट कर पाएंगे तो याद करने में आसानी होगी। सीड हमने आपको बताया था कि ओव्यूल जो है ओव्यूल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट और यहाँ पे है फीमेल गैमीट। मेल गैमीट के साथ फ्यूज करके बना लेगा ज़ाइगोट और एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा ड्यूरिंग द मैचुरेशन ऑफ सीड, क्योंकि ये क्या बना लेगा, ओव्यूल सीड बना लेगा। तो यहाँ पे ज़ाइगोट फाइनली क्या बना लेता है, आपको पता है ज़ाइगोट फाइनली क्या बना लेता है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो। तो पहली चीज तो हमको ये समझ में आ गया कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है अब सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो बोल रहे हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ओव्यूल, ये सीड में कन्वर्ट हो गया। तो ओव्यूल का ये एक इंटेगमेंट आउटर और ये एक इंटेगमेंट इनर, ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे, हार्डन हो जाएंगे और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेंगे जिसको हम लोग क्या बोलना शुरू कर देंगे, सीड कोट। इसको हम लोग बोलेंगे सीड कोट। तो सीड कोट बन रही है इंटेगुमेंट से, क्योंकि सीड बन रहा है ओव्यूल से, और दो इंटेगुमेंट है आउटर इनर। आउटर इंटेगुमेंट जो आउटर सीड कोट बना रहा है, आउटर सीड कोट को हम लोग बोलेंगे टेस्टा और इनर सीड कोट को हम लोग बोलेंगे टेगमेन। इनर सीड कोट को हम लोग बोलेंगे टेगमेन। तो एक चीज तो हमको ये समझ में आ गई कि सीड के चारों तरफ प्रेजेंट होगी एक हार्डन प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको बोलेंगे सीड कोट, बाहर आउटर सीड कोट टेस्टा, अंदर की तरफ इनर सीड कोट टैगमेन। दूसरी चीज, सीड के अंदर यहाँ पे सीड में बाहर आउटर सीड कोट टेस्टा, फिर इनर सीड कोट टैगमेन, अंदर देखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा सीड के अंदर एम्ब्रियो। सीड के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो। और ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एम्ब्रियो में दो प्रॉपर स्ट्रक्चर है। यहां से अगर आप लाइन ड्रॉ करिए तो इसके ऊपर ये जो दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम लोग बोलते हैं कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स जो है ये एक हो सकते हैं और दो हो सकते हैं। एक कॉटिलेडन होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोकॉटिलेडन या मोनोकॉट सीड, और दो कॉटिलेडन होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइकॉटिलेडन या फिर डाइकॉट सीड। और दूसरी चीज एम्ब्रियो में क्या प्रेजेंट होगी, आपको पता है कि यहाँ पे जो हाइपोबेसल सेल्स थी बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि एक एक्सेस प्रेजेंट होगी जिसको हम लोग टाइजेलम या एम्ब्रियोनल एक्सेस बोलते हैं, टाइजेलम या एम्ब्रियोनल एक्सेस बोलते हैं। तो यहाँ से अगर कॉटिलेडन अराइज हो रहा है तो ये पॉइंट जो है ये हो जाएगा लेवल ऑफ कॉटिलेडन एंड द पार्ट ऑफ, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा लेवल ऑफ कॉटिलेडन, लेवल ऑफ कॉटिलेडन। और ये जो एक्सिस है इस एक्सिस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो कॉटिलेडन के साथ साथ एम्ब्रियो में एक एक्सिस प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोनल या एम्ब्रियो एक्सिस, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइजेलम बोलते हैं, टाइजेलम बोलते हैं। और ये है लेवल ऑफ कॉटिलेडन, LOC लेवल ऑफ कॉटिलेडन। ये है टाइजेलम या एम्ब्रियोनल एक्सिस। part of embryonal axis present below the LOC is hypocotyl and the part of embryonal axis above the LOC is apicotyl. tip of apicotyl is plumule which will develop into shoot system and tip of hypocotyl is radicle which will develop into root system और root cap या calyptra बनेगा कहाँ से, hypophyseal cell से या फिर hypophysis से। इस तरीके से नया plant का formation होता है। तो दूसरी चीज हमको समझ में आ गई कि इसमें एम्ब्रियो में दो या एक कॉटिलेडन होंगे। पहली चीज तो ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और दूसरा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो में प्रेजेंट होगा एक एक्सिस जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस या फिर टाइजेलम। नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे हाइपोकोटाइल, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे एपिकोटाइल। एपिकोटाइल के टिप को हम लोग बोलेंगे प्लेम्यूल जो कि आगे चल के बनाएगा सूट सिस्टम, और हाइपोकोटाइल के टिप को हम लोग बोलेंगे रेडिकल जो कि आगे चल के बनाएगा रूट सिस्टम। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि ये जो सीड है ये ओव्यूल से बना है और ओव्यूल इंटेगमेंट से कवर्ड है। देयर आर टू कवरिंग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेगमेंट, बट दीज टू कवरिंग्स आर नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस कवरिंग नहीं है। द प्लेस वेयर इंटेगमेंट्स आर एब्सेंट इज डिफाइंड एज माइक्रोपाइल। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। जब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल है ये सीड में भी परसिस्ट करता है और उसको हम लोग माइक्रोपाइल ऑफ सीड बोलते हैं। तो सीड में एक माइन्यूट पोर होगा जो हमको दिखाई नहीं देगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल बोलेंगे। विच फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ oxygen and water at the time of germination of seed. Water and oxygen will enter inside the seed through the micropyle pore. तो micropyle के through seed जब germinate करेगा तो micropyle के through क्या enter करेगा, oxygen और water, ताकि imbibition हो सके, seed को rapture हो सके और उससे radical और plumule बाहर आ सके और plumule से root system और radical से root system बन पाए, तो micropyle present होगा। चौथी और important बात, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा स्ट्रक्चर जो सीड के अंदर प्रेजेंट होगा वो हो सकता है एंडोस्पर्म हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि हो सकता है एंडोस्पर्म हो, हम लोग इस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंडोस्पर्म विच इज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन मे ईदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो at the time of maturation of seed or before the maturation of seed in some plant, or it may persist in a mature seed which may used of at the time of germination of seed. ज़्यादातर सीड में जो एंडोस्पर्म है ये खत्म हो जाता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो इसको कंज्यूम कर लेता है पूरी तरीके से। फिर उसके बाद कॉटिलेडन से क्या लेने लगता है, ये फूड लेने लगता है। कॉटिलेडन आर नथिंग बट द स्वेलिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स जिसमें कि रिजर्व फूड मटेरियल्स क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, जैसे कि लेग्यूम प्लांट में आप लोग देख पाते हैं, दाल में। मैं बात कर रहा हूँ एंडोस्पर्म के लिए। तो मोस्ट ऑफ द सीड्स के मैचुरेशन के टाइम पे, बिफोर द मैचुरेशन ऑफ सीड, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है एंडोस्पर्म को पूरी तरीके से खा जाता है, कंज्यूम कर जाता है, यूटिलाइज कर जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके सीड में, मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म जो है वो परसिस्ट करता है। तो इसलिए मैंने बोला कि चौथा जो पार्ट है या स्ट्रक्चर है सीड का, वो प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। हम बात कर रहे हैं एंडोस्पर्म के लिए, सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, मतलब एंडोस्पर्म हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दैट इज व्हाई ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म वी कैन कैटेगराइज सीड इनटू टू मेन कैटेगरीज। अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो इसका एक अलग कैटेगरी होगी सीड्स की, और एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट है तो इसकी एक अलग कैटेगरी होगी। उस पर हम थोड़ी देर के बाद दोबारा से वापस आ रहे हैं। इसके पहले हम लोग इन चारों पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करें। हमने आपको बोला कि सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। सीड साइकिल आपको समझ में आ गई, बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर आपको समझ में आ गया, सीड प्रेजेंट होगा इनसाइड फ्रूट, ये भी आपको समझ में आ गया। इसको हम लोग फर्टिलाइज्ड ओव्यूल या फिर मैच्योर इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे या फिर राइपेंड ओव्यूल बोलेंगे। सीड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसके कंटेंट की बात करें, तो आर्टिकल सीड इज कंसिस्ट ऑफ दिस फोर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। वन इज सीड कोट जो कि बाहर प्रेजेंट होगी, सीड कोट बनेगी इंटेगमेंट से, आउटर इंटेगमेंट आउटर सीड कोट बनाएंगे टेस्टा बोलेंगे, इनर इंटेगमेंट इनर सीड कोट बनाएंगे टेगमेन बोलेंगे उसको हम लोग, और सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, ये टेस्टा हो गया, ये टेगमेन हो गया। इसके अंदर आप देखेंगे सीड के अंदर तो एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। एम्ब्रियो में दो प्रॉपर स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलेंगे कॉटिलेडन्स, एक हो सकता है मोनोकॉटिलेडन्स या फिर मोनोकॉट बोलेंगे, दो होगा तो डाइकॉटिलेडन या फिर डाइकॉट बोलेंगे। और हमने आपको बताया कि यहाँ पे एक एक्सिस प्रेजेंट होगी एम्ब्रियो में जिसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस या एम्ब्रियो एक्सिस या फिर इसको टाइजेलम बोलेंगे, और यहाँ जहाँ से अराइज होता है ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉटिलेडन, इसको हम लोग LOC या फिर लेवल ऑफ कॉटिलेडन बोलेंगे। एंड द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट अबव द LOC इज एपिकोटाइल, एंड टिप ऑफ एपिकोटाइल इज प्लीम्यूल, एंड प्लीम्यूल विल डेवलप इनटू द शूट सिस्टम। एंड द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस व्हिच इज प्रेजेंट बिलो द LOC इज हाइपोकोटाइल, एंड टिप ऑफ हाइपोकोटाइल इज रेडिकल, एंड रेडिकल विल डेवलप इनटू रूट सिस्टम एक्सेप्ट रूट कैप और कैलिप्रा जो कि बनेगी एपिफाइसिस से। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चौथा स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया कि ओव्यूल इंटेगमेंट से कवर्ड होता है. देयर आर टू प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको हम लोग इंटेगमेंट्स बोलते हैं, बट इंटेगमेंट्स आर नॉट कॉन्टिन्यूअस लेयर और कवरिंग, एंड द रीजन वेयर इंटेगमेंट्स आर एब्सेंट इज डिफाइंड एज माइक्रोपाइल. और ये माइक्रोपाइल जब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है तब भी परसिस्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल ऑफ सीड, जो फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन और एयर को एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड, जिसकी बहुत ज्यादा क्या होती है, जरूरत होती है. जब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, सुटेबल टेम्परेचर होगा, तो जाकर के सीड क्या होगा, जर्मिनेट होगा. लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसके अंदर वाटर जाए और ऑक्सीजन जाए, क्योंकि अभी हम लोग समझेंगे कि ये ड्राई स्ट्रक्चर होता है सीड, इसमें बहुत कम वाटर कंटेंट होता है 10 से 15%. तो एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड इसको खूब सारा वाटर और खूब सारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए. तो ये माइक्रोपाइल के थ्रू पॉसिबल हो पाता है. फिर मैंने आपको बताया कि चौथा स्ट्रक्चर सीड के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एंडोस्पर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो सीड में क्या क्या हो गया, बाहर सीड कोट, दो सीड कोट होंगी, आउटर सीड कोट को टेस्टा, इनर सीड कोट को हम लोग क्या बोलेंगे, टेगमेन. अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में दो पार्ट होंगे, क्या क्या, कॉटिलेडन, कॉटिलेडन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है. डाइकॉटिलेडनस प्लांट में दो कॉटिलेडन्स होंगे, मोनोकॉटिलेडनस प्लांट में एक कॉटिलेडन होगा, और कॉटिलेडन के साथ साथ एम्ब्रियो होगा. एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो का ही पार्ट है कॉटिलेडन. तो कॉटिलेडन अलॉन्ग विद द एम्ब्रियोनल एक्सिस कंप्लीट एम्ब्रियो बना रहा है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. दो रीजन होगा, एलओसी के ऊपर एपिकोटाइल, एलओसी के नीचे क्या होगा, हाइपोकोटाइल होगा. फिर मैंने आपको बताया कि माइक्रोपाइल प्रेजेंट होगा, और चौथा स्ट्रक्चर क्या 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 प्रेजेंट होगा, एंडोस्पर्म, जो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके पीछे कंडीशन है. तो सीड कोट पहली चीज हमको याद रखना है क्या प्रेजेंट होगा, सीड कोट और एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में कॉटिलेडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस, माइक्रोपाइल, और चौथा एंडोस्पर्म विच मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन अ मैच्योर सीड. अब हम बात करते हैं कि एंडोस्पर्म के बेसिस पे हम सीड को कौन कौन सी दो मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एंडोस्पर्म मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन अ मैच्योर सीड. इन सम प्लांट सीड्स में हैव एंडोस्पर्म, और कुछ ऐसे प्लांट्स के सीड्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म्स पूरी तरीके से क्या हो जाता है, यूटिलाइज्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है. तो हमारे पास दो कैटेगरीज आ गई, डिपेंडिंग ऑन कि इसमें एंडोस्पर्म है या नहीं है मैच्योर सीड में. तो on the basis of presence and absence of endosperm के presence या absence के basis पे हम seed को दो main categories में classify कर रहे हैं. पहली category जब endosperm एक mature seed में present हो तो इसको हम लोग बोलेंगे endospermic seed, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे एल्ब्यूमिनस सीड. तो एक कैटेगरी हमारे पास ये हो गई, और दूसरी कैटेगरी एंडोस्पर्म ना प्रेजेंट हो एक मैच्योर सीड में, मतलब उसको डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरी तरीके से खा गया हो, यूटिलाइज कर गया हो. तो इसको हम लोग बोलेंगे ऐसे सीड को जिसमें एंडोस्पर्म पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाता है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, या फिर तीसरा नाम इसका हो सकता है एक्स एल्ब्यूमिनस सीड. तो ये तीन पर्टिकुलर नेम्स हम यूज कर रहे हैं ऐसे सीड के लिए जिसमें क्या नहीं प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट है. तो हमने आपको बताया कि सीड में एंडोस्पर्म है या नहीं है, इसके बेसिस पे हम सीड को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे हैं. अगर एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में होगा तो इसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड, और अगर मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म नहीं होगा तो इसको हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एल्ब्यूमिनस, या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड बोलेंगे. फिर मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि सीड में सीड कोट होगा, एम्ब्रियो होगा जिसमें कॉटिलेडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, माइक्रोपाइल होगा, और क्या होगा, एंडोस्पर्म, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. इस बेसिस पे हम सीड को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं. एक ऐसी सीड की कैटेगरी जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है, डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरी तरीके से उसको खा गया है, और दूसरी एक कैटेगरी सीड की जिसमें एंडोस्पर्म अभी भी मैच्योर सीड में है एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो दो कैटेगरी आ गई हमारे पास, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इन एंडोस्पर्मिक सीड और एल्ब्यूमिनस सीड, सो एल्ब्यूमिनस सीड हैव persistent एंडोस्पर्म। तो ये बात आपको अभी तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि इसमें एंडोस्पर्म जो है वो परसिस्ट करेगा, या कह सकते हैं कि एंडोस्पर्म जो है ये प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा एज इट इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो व्हिच इज प्रेजेंट इन अ मैच्योर सीड एंड व्हिच विल बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। एंड द सेकंड कैटेगरी ऑफ सीड इज नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्सएल्ब्यूमिनस सीड, एंड सीड्स do not have endosperm, इनमें एंडोस्पर्म नहीं होगा as it is completely utilized by developing embryo। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, यूटिलाइज, यानी कि सीड में, मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है सीड के अंदर तो इसको हम लोग एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड बोलेंगे, और अगर एंडोस्पर्म एब्सेंट है, खत्म हो गया है पूरी तरीके से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सबसे पहली बात आपको ये याद रख लेनी है एग्जाम्पल में कि इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। इसको याद आप कैसे रख सकते हैं, एंडोस्पर्मिक का ई और मोनोकॉट का एम, यहाँ पे आप लिखिए एम ई, ये हो गया मी, तो एम फॉर मोनोकॉट, ई फॉर एंडोस्पर्मिक। तो मोस्ट ऑफ द मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट में, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट सीड में, मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट होगा, एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट होगा। और अगर हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि बार्ले हो गया, कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हमको याद रखने इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं। मेज हो गया, मेज के पहले आप एक और एग्जांपल लिखिए तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। वीट हो गया, उसके बाद आप लिखिए मेज, फिर लिखिए आप राइस। तो इसको आप मेमोराइज कैसे कर सकते हैं, बरेली का, यहां आप लिखिए काऊ, COW काऊ, ये है मजे, इसको आप लिखिए करे। तो आप इसको याद कर सकते हैं एक निमोनिक्स की हेल्प से, बरेली का काऊ मजे करे, बरेली का काऊ मजा कर रहा है, तो बरेली का काऊ मजे करे से आप एंडोस्पर्मिक सीड के सारे एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं। बरेली मतलब बार्ले, का मतलब कैस्टर, काऊ में CO मतलब कोकोनट, W मतलब वीट, मजे मतलब मेज, करे का मतलब राइस। इससे आप इस निमोनिक्स की हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। लेकिन ये बात आपको याद रखना है कि कैस्टर एक डाइकॉट है। मैंने आपको बताया कि ज्यादातर मोनोकॉट में नॉन एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलेंगे, तो कुछ मोनोकॉट में, और ये एक एग्जांपल हमने आपको डाइकॉट का बताया। एक और एग्जांपल आप यहाँ पे याद रख सकते हैं इसके साथ साथ, कॉटन भी एक डाइकॉट है और इसमें भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम मोनोकॉट की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर मोनोकॉट में एंडोस्पर्मिक सीड होगा, तो इसका उल्टा अगर कर देंगे तो इसका एग्जाम्पल हमको याद हो जाएगा बड़ी आसानी से। कि एग्जाम्पल की अगर हम बात इसमें कर रहे हैं तो इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, ज्यादातर डाइकॉटिलेडोनस प्लांट में जो सीड होगा वो कैसा होगा, एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होगा। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमको याद रखने हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इसके हमें याद रखने हैं। तो ये कुछ हमने आपके सामने डाइकॉट के एग्जांपल्स लिखे हैं, पी, ग्राम, बीन, टैमरिंड, कुकुम्बर, कुकुरबिट, ग्राउंडनट। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? हमने आपको बताया कि एल्ब्यूमिनस सॉरी नॉन एल्ब्यूमिनस से एक्स एल्ब्यूमिनस से नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में हमको ये याद रखना है। पहली चीज तो ज्यादातर डाइकॉट जो सीड होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि उसमें एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता है, और ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स हमको याद रखने हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। इन तीन को आप याद रखिए, पियाजी, गांव बसे, पियाजी, गांव बसे, तुम कुछ कुछ गोरे। कैसे याद करेंगे इसको? पिया जी गांव बसे, तुम कुछ कुछ गोरे। तो बड़ी अच्छी निमोनिक है, पिया जी कहाँ बसे हैं? गांव में, और तुम कैसे हो? कुछ कुछ गोरे हो। तो पिया जी गांव बसे, तुम कुछ कुछ गोरे। इससे हम लोग इस निमोनिक की हेल्प से याद कर सकते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जाम्पल। पियाजी मतलब पी, गांव मतलब ग्राम, गांव को ग्राम भी बोलते हैं हिंदी अगर आपको आती हो तो। पियाजी गांव बसे मतलब बीन, टू मतलब टैमरिंड, कुछ कुछ, एक कुछ में कुकुम्बर आ गया, एक कुछ का मतलब क्या हो गया? कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स जैसे कि पम्पकिन हो गया, मेलन्स वगैरह हो गए, और गोरे का मतलब ग्राउंड नट्स। तो ये हो गए डाइकॉट्स जिसमें क्या होंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ एक्सेप्शन याद किए थे, तो कुछ एक्सेप्शन हमको इसमें भी याद रखने हैं कि कुछ मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स ऐसे होते हैं। हमने आपको बताया कि ज्यादातर मोनोकोटिलेडनस प्लांट में सीड कैसे होंगे? एंडोस्पर्मिक होंगे, लेकिन कुछ मोनोकोटिलेडनस प्लांट में सीड नॉन एंडोस्पर्मिक भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्किड के सीड्स, पोथास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी प्लांट। एक एग्जांपल ये याद रखना है कि, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमको याद रखना है वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया, एलिस्मा, और एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल एमारफोफेलस। तो ये सारे के सारे क्या है? मोनोकॉट्स हैं। मोनोकॉट्स जो कि कैसे हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक। तो एक बार मैं तेजी से इसको रिकैप करता हूं आपको कि डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म सीड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन कैटेगरीज। अगर एंडोस्पर्म होगा तो एंडोस्पर्मिक, नहीं होगा तो नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक को हम लोग एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक को नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्सएल्ब्यूमिनस सीड बोलेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एंडोस्पर्मिक सीड में मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स आएंगे। कैसे याद करेंगे? मी से, मी मतलब एम ई, एम मतलब मोनोकॉट, ई मतलब एंडोस्पर्म। तो मी का मतलब ज्यादातर मोनोकॉट में एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने आपको बताया, बरेली का काऊ मजे करे, बार्ले, कैस्टर, कोकोनट, वीट, मेज और राइस। ये याद रखना है। जबकि कैस्टर और कॉटन दो डाइकॉट हमने एक्सेप्शन याद किए, जबकि ज्यादातर डाइकॉट सीड कैसे होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, गाँव कौन बसा? पिया जी, पिया जी गांव में बसे हैं, और तुम हो थोड़े थोड़े कुछ कुछ गोरे। तो पिया जी गांव बसे, तुम कुछ कुछ गोरे। पिया जी में, पिया जी क्या है? पी, गांव मतलब ग्राम, बसे मतलब बीन, तुम मतलब टैमरिंड, कुछ कुछ में एक कुछ का मतलब कुकुम्बर, एक कुछ का मतलब कुकुरबिट, और गोरे का मतलब ग्राउंड्स। ये कुछ डाइकॉट के सीड हैं जो कि कैसे हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक है। कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पे हैं, कुछ मोनोकॉट्स ऐसे हैं जिसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑर्किड्स के सीड्स जो होते हैं, ऑर्किड सीड्स जो होते हैं, और जैसे कि पोथास या मनी प्लांट, वेलिसनेरिया और एलिस्मा और अमारफोफेलस। तो ये एनसीईआरटी में नाम दिए हुए हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि याद होना चाहिए। एनसीईआरटी घुमा करके कहीं से कुछ पूछ सकती है आपसे। तो ये हमारे समझ में आ गया कि हम सीड को कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म इन टू मेन कैटेगरीज। और एग्जांपल तो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि हम कब इसको एंडोस्पर्मिक बोलेंगे, कब नॉन एंडोस्पर्मिक बोलेंगे, और कब इसको हम लोग एल्ब्यूमिनस और कब नॉन एल्ब्यूमिनस बोलेंगे। एंडोस्पर्मिक को एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक को नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड बोलेंगे। तो सीड को हम प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म के बेसिस पे दो क्लास में कैटेगराइज कर लिए। इसी तरीके से आप एक और स्ट्रक्चर याद करिए न्यूसेलस, अगर आपको याद आ रहा हो न्यूसेलस। अब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं न्यूसेलस के बेसिस पे सीड को। अगर आपको याद आ रहा हो ओव्यूल का स्ट्रक्चर, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहां पे प्रेजेंट है फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर आप इसको अभी समझ लीजिए कि एक सिंगल मेगास्पोर है, या और पीछे अगर जाएं आप तो इसको हम मेगास्पोर मदर सेल बोल सकते हैं, और पीछे आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं रिकॉल करा रहा हूँ। और इसके चारों तरफ यहाँ पे कुछ मल्टीपल लेयर्स में न्यूट्रिटिव या नरिशिंग सेल्स ऑर्गेनाइज होती हैं, और इन्हीं सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। और इस न्यूसेलस से नरिशमेंट लेती रहती है मेगास्पोर मदर सेल, जो कि मेगास्पोर्स बनाती हैं। उसमें से एक फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ से नरिशमेंट लेकर के एक कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी। तो डेवलपिंग मेगास्पोर मदर सेल, डेवलपिंग मेगास्पोर्स एंड डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सेल न्यूसेलस से फूड या न्यूट्रिशन लेती रहती है, और इस दौरान न्यूसेलस जो है वो खत्म हो जाता है, पूरी तरीके से यूज हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब जो डेवलपिंग मेगास्पोर मदर सेल है जो इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर होगी, जो डेवलपिंग मेगास्पोर्स है जो मेगास्पोर मदर सेल से बनी हुई है ऑन मी ऑसिस, और जो फंक्शनल मेगास्पोर है उससे जो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा है, ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये यूज करते रहते हैं न्यूसेलर सेल्स को या मास ऑफ न्यूसेलस को अपने नरिशमेंट या न्यूट्रिशन के लिए, जिसकी वजह से ये न्यूसेलर सेल्स या मास ऑफ न्यूसेलर सेल्स जिसको हम न्यूसेलस बोल रहे हैं ये खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें ये न्यूसेलस जो है वो परसिस्ट करता है, और ये परसिस्टेंट न्यूसेलस या फिर जो रेमिनेंट है न्यूसेलस का बचा हुआ पार्ट जो है इसको हम लोग बोलने लगते हैं पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या हो गया, परसिस्टेंट पार्ट ऑफ न्यूसेलस, परसिस्टेंट पार्ट ऑफ न्यूसेलस। और जिसमें न्यूसेलस परसिस्ट करता है यानी जिस सीड में मैच्योर सीड में पेरिस्पर्म देखने को मिलता है हमको, उस सीड को हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स। इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स। तो पेरिस्पर्मिक सीड्स के दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमको याद रखना है, ब्लैक पेपर और बीट। तो फिर मैं इस चीज को एक बार रिवाइज करा रहा हूं आपको कि इंटेगमेंटेड मेगा ओव्यूल को क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि इसके अंदर क्या है मेगास्पोर मदर सेल जिससे मेगास्पोर बन रहे हैं। तो बैक या शैक लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर स्पोर बनते हैं उसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, अगर मेगास्पोर बन रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम। तो ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर्स बन रहे हैं इसलिए ओव्यूल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम बोल रहे हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल होगी, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर्स और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये इसके सराउंडिंग में ये जो न्यूसेलर सेल मास है जिसको न्यूसेलस बोल रहे हैं इसको यूज करती रहती हैं अपने डेवलपमेंट के टाइम पे, इसलिए ये डेवलप होते होते पूरी तरीके से न्यूसेलस को खत्म कर देती हैं। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें न्यूसेलर सेल या न्यूसेलस जो है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाती हैं बाय द डेवलपिंग मेगास्पोर मदर सेल, डेवलपिंग मेगास्पोर, डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट, और ये मैच्योर सीड में परसिस्टेंट करते हैं। और इस परसिस्टेंट न्यूसेलस को जो न्यूसेलस का रेमिनेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। और जिन मैच्योर सीड में रेमिनेंट होगा न्यूसेलस का, पेरिस्पर्म होगा, उसको हम पेरिस्पर्मिक सीड बोलेंगे। दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स याद रखने हैं, ब्लैक पेपर और बीट, बीबी। तो पेरिस्पर्मिक सीड के लिए हमको याद रखना है बीबी, ब्लैक पेपर और। तो अगर आपको इतनी बात समझ आ गई तो यहाँ पे मैं दो और इम्पॉर्टेंट टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दोज आर एसोसिएटेड विद सीड। पहला सीड डॉर्मेंसी एंड सेकेंड वन इज सीड वायबिलिटी। और पहले हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट सीड डॉर्मेंसी। समझ लीजिए मैचुरेशन ऑफ सीड से लेकर के जर्मिनेशन ऑफ सीड। मैंने आपसे बोला मैचुरेशन ऑफ सीड से लेके जर्मिनेशन ऑफ सीड के बीच का ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को या इस स्टेट को हम लोग बोल रहे हैं डॉर्मेंट स्टेट, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे डॉर्मेंसी। सो दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड द टाइम पीरियड और फेज बिटवीन मैचुरेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड के मैचुरेशन और जर्मिनेशन के बीच का जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग बोल रहे हैं डॉर्मेंट पीरियड या डॉर्मेंसी। एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड स्टार्ट्स लूजिंग इट्स वाटर कंटेंट, ये अपने वाटर कंटेंट को क्या करने लगता है, लूज करने लगता है, एंड इट ड्रॉप्स टू 10 to 15% बाई मास। ये इंपॉर्टेंट बात है, हमें याद रखनी है। मैंने आपको बताया कि जब सीड मैच्योर होगा, एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ सीड, सीड में से ढेर सारा वाटर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और सिर्फ बचा कितना रह जाता है, 10 से 15% इसके मास का या वेट का। अब एक छोटी सी बात आप ये समझिए कि वाटर अगर निकल जा रहा है सीड से, दैट मींस दैट सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई, सूख जा रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, इस बात को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर क्लास 11 की थोड़ी बहुत बातें याद हों आपको। फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था द लिविंग वर्ड, और बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ा था इस बात को हमने, कि हमारे बॉडी में या लिविंग सिस्टम के बॉडी में या एक सेल के अंदर डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उन सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, एंड ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन आर एंजाइम ड्रिवन और कैटेलाइज्ड रिएक्शन। सारी की सारी रिएक्शन एंजाइम के थ्रू होती हैं, और एंजाइम जो है ये बायो कैटलिस्ट हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, और ये एक्ट करती हैं किसी मीडियम में, यानी एक डेफिनेट या सफिशिएंट वाटर होगा, क्योंकि अगर हम सबसे बेहतर सॉल्वेंट की बात करें या सबसे बेहतर मीडियम की बात करें तो वो वाटर है। तो एंजाइम मीडियम में एक्ट कर रहा है, यानी कि इसके लिए एक्टिविटी के लिए वाटर चाहिए, और इसकी प्रॉपर एक्टिविटी के लिए एक सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए किसका, वाटर का। अगर वाटर कम होता जाएगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम होती जाएगी, और एंजाइम का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। अगर मीडियम नहीं है प्रॉपर, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वाटर कम है तो इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगी तो जो सीड के अंदर एम्ब्रियो है, इट में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, ये एक इनएक्टिव स्टेट में एंटर कर जाएगा, और इसे स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी को मैं बोल रहा हूँ डॉर्मेंसी। तो अब आपको इस फ्लो चार्ट की हेल्प से बहुत अच्छी तरीके से बात समझ आ गई होगी कि मैचुरेशन और जर्मिनेशन ऑफ सीड के बीच के इस टाइम पीरियड को हम लोग बोल रहे हैं डॉर्मेंसी। सीड के मैचुरेशन के टाइम पे वाटर कम होता चला जाता है, एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई, एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप्स टू 10 to 15% बाय मास, ये सिर्फ 10 से 15% रह जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ द वेरी लो कंटेंट ऑफ वाटर इन सीड, मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक रेट सीड का बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एम्ब्रियो एक इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा, एंड दैट स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी विल बी डिफाइंड एज डॉर्मेंसी। इसको हम लोग बोल रहे हैं डॉर्मेंसी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म का। एग्जांपल आप सोच सकते हैं खुद से कि एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेशन हो सकता है। रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जिसमें ग्लूकोज को कई मल्टीपल स्टेप्स में हम फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और ढेर सारी एनर्जी निकाल लेते हैं। यानी कि ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी, और मल्टी स्टेप मेटाबॉलिक रिएक्शन की मैं बात अगर कर रहा हूं तो ये एक एग्जांपल हो सकता है रेस्पिरेशन का। यानी हम ये कह रहे हैं कि मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो रहा है, मतलब मैं एक एग्जांपल अगर लूं रेस्पिरेशन का तो यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और अगर रेस्पिरेशन रेट कम हो जाएगा तो आपको एक बात समझ आ रही होगी कि रेस्पिरेशन से बनती है एटीपी, तो एटीपी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम। यानी मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी की, मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी की, एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी लो कॉन्टेंट ऑफ एटीपी और एनर्जी, ऑल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस are temporarily suspended only just to pass adverse condition. तो सीड है, सीड प्लांट से डिटैच हो गया, फ्रूट का जो एडिबल पार्ट है खा लिया हमने, सीड को फेंक दिया या कहीं रख दिया, स्टोर कर दिया. तो अगर एंडोस्पर्मिक सीड है तो थोड़ा बहुत इसमें एंडोस्पर्म हो सकता है, बच्चा हो मैच्योर सीड में, या फिर इसमें कॉटिलेडन होगा तो उसमें फूड स्टोर होगा जैसे कि लेग्यूम में. अब अगर हम इन सारी पल्सेस को या फिर हम सीरियल्स की बात कर लें तो जैसे वीट वगैरह हो गया या फिर कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग क्या करते हैं बोरी में भर के रख देते हैं या फिर पैकेट्स में बहुत अच्छी तरीके से इसको पैक करके मार्केट में सेल करते हैं, बेचते हैं. तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन सीड के लिए तो ये बहुत ही अनफेवरेबल सी कंडीशन हो गई, क्योंकि सीड को प्लांट से भी डिटैच कर लिया हमने, तोड़ लिया फ्रूट को. अब सीड के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचता कि वो जर्मिनेट करके लीव्स वगैरह बना करके नया प्लांट बना करके फूड खुद से सिंथेसाइज करें, क्योंकि हमने उसको एक पैकेट में या बोरी में बांध के रख दिया है. मतलब सीड को ना तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर वाटर भी नहीं मिल रहा है, ना तो इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल पा रही है इसको, क्योंकि हमने इसको बांध के या फिर बंद करके रख दिया है, ना तो इसके लिए टेम्परेचर फेवरेबल है. मतलब ऑल ओवर सीड के लिए कंडीशन एडवर्स है या फिर कह सकते हैं अनफेवरेबल है. इसको हमने पैकेट में या बोरी में बांध के रख दिया है. अब सीड को जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाना है इन फ्यूचर, क्योंकि सीड जो है ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है, फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. सीड टू सीड लाइफ में हमने देखा कि सीड से एक नया प्लांट बनता है, और सीड का यही मेन सिग्निफिकेंस भी है, एडवांटेज भी है, कह सकते हैं रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये नया प्लांट बनाता है. और नया प्लांट ये तभी बना पाएगा जब इसके अंदर जो एम्ब्रियो है ये अलाइव होगा, ये जिंदा होगा, जीवित होगा कह सकते हैं. यानी कि इसके एम्ब्रियो की जो सेल्स हैं वो खुद सर्वाइव करें, तभी जर्मिनेट करके सीड नया प्लांट बना पाएगा थ्रू द एम्ब्रियो या विद द हेल्प ऑफ एम्ब्रियो. तो मेरे कहने का मतलब एम्ब्रियो को जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि सीड के थ्रू, जर्मिनेशन के थ्रू हमें सीड से नया प्लांट बनाना है. तो एम्ब्रियो को कुछ ना कुछ फूड मिलता रहना चाहिए, और फूड की बंदोबस्त या व्यवस्था हमने कर दी है सीड में. एम्ब्रियो के लिए थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म हो सकता है, बचा हुआ एंडोस्पर्मिक सीड में, और अगर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है तो इसमें कॉटिलेडन में स्टोर्ड फूड मटेरियल होगा, रिजर्व फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे. लेकिन अगर हम दोनों की बात करें, एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की, तो इसके अंदर जो फूड है वो एक डेफिनेट अमाउंट में है, जो रिजर्व फूड मटेरियल है ये एक डेफिनेट सोर्स है, एक समय के बाद ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं दूसरे सोर्स से तो मिल नहीं रहा है, प्लांट से भी डिटैच कर लिया है, बांध के रख दिया है, जर्मिनेट भी नहीं करने दे रहे हैं. तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ फूड स्टोर्ड है जो सीड के अंदर, उसी को यूटिलाइज करके जिंदा रहना है किसको, एम्ब्रियो को, ताकि ये नया प्लांट बना सके. अब नेचर ने एक बहुत खास यहाँ पे मैकेनिज्म या फिर एडेप्टेशन डेवलप किया कि भाई अभी तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि तुम खुद से फूड बना पाओ, एम्ब्रियो को कह रहे हैं, तो तुम्हारे पास जो फूड है, जो स्टोर्ड या रिजर्व फूड मटेरियल है तुम्हारे पास, जो डेफिनेट सोर्स है तुम्हारे पास, उसी को यूटिलाइज करके तुमको फॉर अ लॉन्ग पीरियड जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है. तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि जो इसके पास थोड़ा बहुत फूड है ये काफ़ी देर तक चले, और फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी जो बना रहा है इस रेट को, इस प्रोसेस की रेट को अगर कम कर दें तो ये काम आसानी से हो सकता है. यानी कि रिस्पायरेशन को क्या कर दिया नेचर ने, बहुत कम कर दिया. और रिस्पायरेशन एक मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक रेट को कम करके ही रिस्पायरेशन को कम किया जा सकता है. और अगर हम मेटाबॉलिक रेट की बात करें, मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात करें, तो एंजाइम की बात आती है, और जब भी एंजाइम की बात आती है तब मीडियम की बात आती है, और मीडियम की बात जब आती है तो बेहतर मीडियम वाटर होता है. और अगर हम वाटर को कम कर दें तो मीडियम प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम होने का मतलब मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा. मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन रेट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा. और अगर रिस्पायरेशन रेट कम हो गया तो एनर्जी कम होगी, एटीपी कम होगी, तो जो डिफरेंट ग्रोथ या डेवलपमेंट की प्रोसेसेस हैं वो कुछ दिन के लिए टेम्पोरली सस्पेंड कर जाएंगी, रुक जाएंगी. सिर्फ नेसेसरीली यानी कि जो मैंडेटरी है प्रोसेसेस या इवेंट्स जो इसके जिंदा रहने के लिए खास ज़रूरी है वही होंगी इसमें. इतना कम वाटर रख दिया गया इसमें या कम कर दिया गया. अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि सीड के अंदर से नेचर ने वाटर को क्यों हटा दिया, वाटर को रिड्यूस क्यों कर दिया, ताकि मेटाबॉलिक रेट कम हो सके, ताकि फूड को ये बहुत स्लो रेट से यूटिलाइज कर सके, ताकि जो फूड इसके अंदर डेफिनेट अमाउंट में स्टोर्ड है वो काफी दिन तक रहे, ताकि ये काफी दिन तक सर्वाइव करे। तो डॉर्मेंसी का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया कि एट द टाइम ऑफ डॉर्मेंट फेज, या फिर हम डॉर्मेंसी की बात करें या डॉर्मेंट स्टेट की बात करें, तो मिनिमम रेस्पिरेशन रेट होता है। फिर मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर प्लांट के किसी स्ट्रक्चर की बात की जाए या फिर ये बात की जाए कि प्लांट में कब कौन से स्ट्रक्चर में रेस्पिरेशन रेट मिनिमम होता है, सबसे कम होता है, तो सीड में एट द टाइम ऑफ डॉर्मेंसी, डॉर्मेंट स्टेट में रेट ऑफ रेस्पिरेशन मिनिमम होता है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? मिनिमम होता है। और जैसे ही सीड के लिए फेवरेबल कंडीशन आएगी, जस्ट आफ्टर द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब इसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ऑक्सीजन और सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, जब हम इसको सॉइल में या खेत में डाल देंगे, तो माइक्रोपाइल के थ्रू मॉइस्चर, वाटर और ऑक्सीजन एंटर करेगा इनसाइड द सीड, और सीड को ड्रैप्चर होगी और प्लीम्यूल्स और रेडिकल क्या होंगे? बाहर आ जाएंगे, यानी सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। डॉर्मेंट फेज क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, वैसे ही सीड क्या करना शुरू कर देगा? जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। एंड एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बिकम मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो जाता है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम रिस्पायरेशन रेट कब होगा? डॉर्मेंट स्टेट में। मैक्सिमम रिस्पायरेशन रेट कब होगा? जर्मिनेशन ऑफ सीड में। तो सीड से ही रिलेटेड है दोनों क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सीड में डॉर्मेंट स्टेट में रिस्पायरेशन रेट मिनिमम, और सीड के जर्मिनेशन के टाइम पे सीड में रिस्पायरेशन रेट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। रिस्पायरेशन रेट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डॉर्मेंट स्टेट जो है ये बहुत क्रूशियल स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट या मैंडेटरी स्टेट है प्लांट के लिए या सीड के लिए कह सकते हैं, या हमारे लिए भी कह सकते हैं। आप सोच के देखिए कि हम डॉर्मेंट फेज किसको बोल रहे हैं या डॉर्मेंसी किसको बोल रहे हैं? मैच्योरेशन और जर्मिनेशन ऑफ सीड के बीच के टाइम गैप को समझ लीजिए कि सीड मैच्योर हुआ, मैच्योर होते ही तुरंत अगर जर्मिनेट कर जाए, तो मैच्योरेशन और जर्मिनेशन के बीच में अगर कोई टाइम ना रहे, कोई गैप ना रहे, जैसे मैच्योर हुआ वैसे जर्मिनेट कर गया, तो मतलब पीरियड या गैप खत्म हो गया जर्मिनेशन और मैच्योरेशन के बीच में, मतलब डॉर्मेंसी खत्म है, डॉर्मेंसी नहीं है। तो सीड बनते ही अगर जर्मिनेट कर जाएगा तो हम लोग खाएंगे क्या? हम लोग खाएंगे क्या? क्योंकि हम बहुत सारे सीड्स को एज अ फूड सोर्स यूटिलाइज करते हैं, नरिशमेंट या न्यूट्रिशन के लिए, या एज अ फूड सोर्स उसको हम यूटिलाइज करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। तो हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, और दूसरी चीज हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं जस्ट टू ऑब्टेन नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द प्लांट, क्योंकि बना नहीं सीड के, जर्मिनेट होकर के वही प्लांट बना लिया। जबकि हम लोग बहुत सारे क्राफ्ट प्रोग्राम्स में या फिर हम एग्रीकल्चर में एक बेहतरीन सीड या कह सकते हैं सुपीरियर सीड को बहुत दिन तक रखते हैं, बेचते भी हैं, और उससे नए अगले सीजन में फिर से खेती भी करते हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए और फूड के लिए हमको सीड को स्टोर करना है कुछ टाइम के लिए, यानी एक हमारे पास चांस होना चाहिए कि सीड के मैच्योरेशन के तुरंत बाद सीड का जर्मिनेशन ना हो जाए, अदरवाइज ना तो हम कुछ खा पाएंगे सीड के फॉर्म में, ना ही हम लोग सीड को स्टोर कर पाएंगे अगली जनरेशन को ऑब्टेन करने के लिए। दैट इज वाई डॉर्मेंसी ऑफ सीड बिकम वेरी क्रूशियल, ये बहुत क्रूशियल हो जाएगा। और जैसे ही हमने आपको बताया कि डॉर्मेंट फेज जो है अनफेवरेबल कंडीशन है सीड के लिए, और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आती है, जस्ट आफ्टर द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, यू विल गेट अ ग्रेट आउटकम। आपको एक बहुत अच्छा सा क्या मिलेगा? प्लांट मिलेगा, जो हमारा एम है किसका, किसके थ्रू? सीड के थ्रू। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि डॉर्मेंसी क्यों जरूरी है। अब मैं एक दूसरे इंपॉर्टेंट टर्म पे आ रहा हूं, दैट इज सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी ये बहुत आसान बात है। अगर आपको एक छोटी सी बात याद आ रही हो, जब हम बात कर रहे थे पॉलन ग्रेन के लिए, जब हम बात कर रहे थे पॉलेंस या मेल गैमेटोफाइट के लिए, तो आखिरी वाले लेक्चर में हमने उस सीरीज के आपको बताया था कि जो पॉलन है, पहली चीज तो पॉलन के अगर हम बात करें तो पॉलिनेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमको याद रखनी होती है कि ये जो पॉलिन है ये एक फिक्स टाइम के अंदर ही स्टिग्मा पे आ जाना चाहिए, तभी पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन हो पाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम लोगों ने पॉलिन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, पॉलिनेशन पढ़ा था, तो मैंने आपको एक बात बताया था कि पॉलिन ग्रेन अगर एक फिक्स टाइम के अंदर ही स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो रहा है या लैंड हो रहा है, तभी जाकर के पॉलिन ट्यूब बन पाएगी। अदरवाइज अगर एक फिक्स टाइम के बाद आ रहा है स्टिग्मा पे, तो इसमें पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। यानी कि मैं ये बात कर रहा हूँ एक्टिविटी की, एक्टिव पीरियड की। अगर वो अपने एक्टिव पीरियड में आएगा तब जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज वो जर्मिनेट नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वायबिलिटी का मतलब वही है लाइफ सीड। तो यहाँ पे हम सीड वायबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे लाइफ इन सीड, लाइफ इन सीड। तो एक्टिविटी पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ सीड की, कि सीड किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जर्मिनेट कर पाएगा और उसके बाद जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो इसको सरल भाषा में आप समझिए कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि सीड कब जर्मिनेट करेगा, मतलब वो बात कर रहा है आपसे सीड डॉर्मेंसी के लिए, मतलब वो पूछ रहा है कि सीड मैच्योर हो चुका है तो जर्मिनेट कब करेगा, यानी मैच्योरेशन और जर्मिनेशन के बीच का टाइम पीरियड कितना है, और इसी टाइम पीरियड को हम डॉर्मेंसी बोल रहे हैं या सीड डॉर्मेंसी बोल रहे हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि सीड कब जर्मिनेट करेगा, मतलब वो इंडिकेट कर रहा है सीड के डॉर्मेंसी की तरफ। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि सीड जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, तब वो पूछ रहा है कि सीड में लाइफ है या नहीं है, इसके एम्ब्रियो में लाइफ है या नहीं है, मतलब ये पूछ रहा है लाइफ ऑफ सीड और लाइफ इन सीड, मतलब ये बात कर रहा है सीड की वायबिलिटी पे। तो दो बातें मैंने सरल भाषा में आपको बताई, सीड कब जर्मिनेट करेगा, सीड डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, सीड वायबिलिटी। सीड डॉर्मेंसी मतलब सीड कब जर्मिनेट करेगा, मतलब मैच्योर हो गया है कब जर्मिनेट करेगा, मैच्योरेशन और जर्मिनेशन तक का गैप कितना है अभी, मतलब वो उस पीरियड की बात कर रहा है जिस पीरियड को हम डॉर्मेंसी बोल रहे हैं। तो सीड जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, सीड डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेट कब करेगा, सीड डॉर्मेंसी, सीड कब जर्मिनेट करेगा, सीड डॉर्मेंसी, और सीड जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, सीड वायबिलिटी है, सीड वायबिलिटी है। और सीड की लाइफ या सीड वायबिलिटी कुछ मंथ्स की भी हो सकती है कुछ प्लांट में, एंड देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स। यहां पे कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, जैसे कि एनसीईआरटी के एक्सेप्शंस की हम बात याद करें, जहां पे बहुत ढेर सारे ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें एक लंबे टाइम पीरियड की वायबिलिटी होती है, कह सकते हैं। लंबे टाइम पीरियड की वायबिलिटी का मतलब, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो समझ में आएगा आपको। एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है ल्यूपिन। ल्यूपिन को एक्सट्रैक्ट किया गया था आर्कटिक टुंड्रा रीजन से, आर्कटिक टुंड्रा रीजन से, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूपाइनस आर्कटिकस। तो ये एक नाम और इसका हो गया ल्यूपिन से, यहाँ पे ल्यूपाइनस लिखा है तो आपको समझ में आ गया होगा हम ल्यूपिन की बात कर रहे हैं। आर्कटिकस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट किया गया था, कहां से निकाला गया था, कहां से, आर्कटिक टुंड्रा रीजन से। एंड इट हैज लॉन्गेस्ट वायबिलिटी और वी कैन से ग्रेटेस्ट वायबिलिटी, लगभग 10,000 ईयर्स। ये जो आर्कटिक टुंड्रा रीजन से ल्यूपिन या ल्यूपाइनस आर्कटिकस का सीड मिला, ये 10,000 साल के बाद भी जर्मिनेट करके नया प्लांट बना पाया। यानी मैं बात कर रहा हूं ग्रेटेस्ट वायबिलिटी की, ओल्डेस्ट सीड की। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक दूसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, दैट इज योर डेट पाम। डेट पाम को डिस्कवर किया गया, इट इज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट King Herod's palace near the डेड सी, ये डेड सी रीजन से किंग हेरोड्स पैलेस था, कहाँ पे? डेड सी रीजन में। वहां से ये आर्कियोलॉजिकल एक्सपेंशन के टाइम पे, एक्सकवेशन के टाइम पे क्या किया गया, ये डिस्कवर किया गया। और इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, फिनिक्स डक्टाइलीफेरा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनिक्स डक्टाइलीफेरा। तो दो एग्जांपल हमने आपको बताए, ल्यूपिन या ल्यूपाइनस आर्कटिकस एक्सट्रैक्ट किया गया था, कहां से? आर्कटिक टुंड्रा रीजन से। 10,000 साल इसकी वायबिलिटी है। डेट पाम, जिसको हम लोग फिनिक्स डक्टाइलीफेरा बोल रहे हैं, किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी, ये ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन डिस्कवर किया गया। और इसकी जो, इसके सीड की जो वायबिलिटी थी, ये थी अबाउट 2000 ईयर्स, 2000 साल। इसी तरीके से हम अगर और कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं लोटस का, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? नीलम्बो न्यूसिफेरा। इसके सीड की जो वायबिलिटी होती है, इट इज ऑफ अबाउट 1000 ईयर, 1000 साल तक। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, मैंने आपको बताया कि वायबिलिटी क्या है, सीड जर्मिनेट करेगा या नहीं, सीड के अंदर लाइफ है या नहीं, ये क्या है? सीड की वायबिलिटी है। और मैंने आपको बताया कि सीड की वायबिलिटी 1 मंथ की हो सकती है, कुछ मंथ्स की भी हो सकती है, जैसे कि ऑक्सालिस वगैरह में। और एक ओल्डेस्ट सीड हैविंग लॉन्गेस्ट और ग्रेटेस्ट वायबिलिटी, इसका एग्जाम्पल हमें याद रखना है ल्यूपाइनस आर्कटिकस, आर्कटिक टुंड्रा रीजन से इसको डिस्कवर किया गया। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे याद किया डेट पाम या फिनिक्स डक्टाइलीफेरा, जो कि एक्सट्रैक्ट किया गया था कहाँ से? किंग हेरोड पैलेस से, जो कि डेड सी के पास था। इसकी वायबिलिटी 2000 साल और इसकी वायबिलिटी 10,000 साल। और नीलम्बो न्यूसिफेरा या लोटस की लाइफ, जो सीड की लाइफ होती है या फिर सीड वायबिलिटी होती है, वो होती है लगभग 1000 साल। ये बात। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम कैसे पता करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि सीड के अंदर लाइफ है या नहीं है, यानी हम सीड की वायबिलिटी को क्या चेक कर सकते हैं क्या? अरे भाई, हमें सीड हमने मार्केट से खरीद के ले आया, मान लो दुकानदार हमको बेवकूफ़ बना दिया, सीड जर्मिनेट करने के लायक नहीं है, वो अपनी वायबिलिटी को लूज कर चुका है, हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर वायबिलिटी है, लाइफ है या नहीं है? तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक सॉल्यूशन आप बनाइए 0.1% कॉन्सेंट्रेशन वाला। किसका? TTC। इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। इतना बड़ा नाम अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो कम से कम TTC याद कर सकते हैं। तो 0.1% कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन हमको बनाना है, जिसका TTC का, ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का। और एक बात मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि ये जो TTC का सॉल्यूशन है, ये कलरलेस होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा। अब हम इस सॉल्यूशन में कुछ प्लांट के सीड्स अगर डाल दें तो ये जो 0.1% TTC सॉल्यूशन है, अगर ये कलरलेस ही रह जाता है, इसमें कोई कलर नहीं आता, इसका मतलब इस सीड की जो वायबिलिटी है ये खत्म हो चुकी है। और अगर ये जो सॉल्यूशन है ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब सीड अभी क्या है? वायबल है। तो ये बहुत आसान तरीका है, हमने आपको बताया कि आप TTC का 0.1% कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन तैयार करिए जो कि कलरलेस होगा अब इसमें कुछ सीड ऐड करिए इस सॉल्यूशन में। अगर ये सॉल्यूशन कलरलेस ही रह जाता है, कोई कलर नहीं आता है, मतलब ये सीड की वायबिलिटी खत्म हो चुकी है। और अगर जैसे ही इस सॉल्यूशन में हमने सीड डाला, इस सॉल्यूशन का कलर पिंक हो गया, मतलब सीड अभी क्या है, वायबल है। ये एक तरीका है सीड की वायबिलिटी को चेक करने के लिए, सीड की वायबिलिटी को चेक करने के लिए। तो 0.1% TTC कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हम बनाएंगे, उसमें सीड डालेंगे, कोई कलर नहीं आएगा सॉल्यूशन का, मतलब सीड में वायबिलिटी नहीं है, सीड अपनी वायबिलिटी को लूज कर दिया है। और अगर सॉल्यूशन का कलर पिंक हो गया सीड डालने पे, तो मतलब जो सीड हमने डाला है वो अभी क्या है, वायबल है। ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है सीड की वायबिलिटी को चेक करने के लिए। इतनी बात आपको इसमें समझना था सीड में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैचुरेशन ऑफ फ्रूट इनटू ओवरी, यानी कि हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैचुरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट। हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे अबाउट फ्रूट, फ्रूट के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में।